देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना यानी गांधी परिवार एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इस घराने की बड़ी बहू सोनिया गांधी और उनकी देवरानी मेनका गांधी को लेकर है। एक समय था जब ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना तक पसंद नहीं करती थी। सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर तीखे वार हुआ करते थे। मेनका गांधी ने तो सोनिया पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया था कि सोनिया इतनी अमीर कैसे हो गई, क्या वो इटली से दहेज लाई थी। लेकिन अब ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने जा रही है। खबर है तमाम गिले शिकवे भूल कर ये परिवार फिर से एक हो सकता है। दरअसल ये कयास अभी हाल ही में महाराष्ट्र में नरभक्षी बाघिन अवनी की हत्या को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुंगतिवार पर सार्वजनिक तौर पर भड़क उठी थी। उन्होंने मुंगतिवार पर हमला बोलते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अपनी चाची के साथ आकर खड़े हो गए थे। वहीं एक बार मेनका सोनिया की तारीफ करते हुए भी देखी गई थी, जिसके बाद से ये अटकलें शुरू हो गई कि एक लंबे अरसे से एक दूसरे से अलग हो गए सोनिया और मेनका गांधी के परिवार एकजुट हो सकते हैं। आपको बता दें कि मेनका के बेटे वरुण गांधी भी इन दिनों बीजेपी हाईकमान से नाराज हैं और बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। दोनों परिवारों के बीच मेनका के पति संजय गांधी की मौत के बाद से दूरियां बन गई थी। दरअसल मेनका को उम्मीद थी कि संजय की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए इंदिरा गांधी उन्हें सपोर्ट करेंगी, लेकिन इंदिरा ने राजीव गांधी को आगे बढ़ाया। मेनका ने इसकी शिकायत कई बार इंदिरा से की भी थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब मेनका अपने छोटे से बच्चे के साथ आधी रात को घर छोड़कर चली गई थी। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया।